मैं एक गांव में शूट कर रहा था बरेली के पास ही, तो वहां मैं जब शूट कर रहा था लोगों ने ऐसे पूछा कि कहाँ पे आएगी, यूट्यूब पे? तो सबको पता है कि यूट्यूब यूट्यूब सबसे बड़ी चीज है, जैसे आपका चैनल है और भी ऐसे माध्यम है, उनसे लोगों को जब वो क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं मेरी रूट्स बहुत गाँव से जुड़ी हुई है, तो जब वो क्लिक करते हैं तो उनको ये लगता है ठीक है, मतलब हम भी कर सकते हैं, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम है ये। रोजगार सबका होता है, अगर एक अगर ज्यादा वेब शो आ रहे हैं तो हर में एक 100 का क्रू होता है, और 100 के क्रू में 100 लोगों का रोजगार है, और हर नए एक्टर को एक मौका है, चाहे वो छोटे से रोल में हो चाहे बड़े रोल में हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मिंग पांडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी कोई कहानी आप पर्दे पर देखते हैं तो कहानी लिखने वाले ने तो कहानी लिखी होती है, लेकिन वो पर्दे पर किस तरह से पहुंचेगी और आपको किस तरह से दिखेगी, वो किरदार किस तरह से सजीव होंगे, जिंदा होंगे, ये पूरा पूरा दारोमदार होता है डायरेक्टर के ऊपर, जिसको कैप्टन ऑफ द शिप भी कहा जाता है। तो ऐसे ही कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ है अमित सागर, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच। ओके अमीश, एक डायरेक्टर के लिए ये होता है कि उसको क्रिएटिव भी सोचना है, उसको टेक्निकल भी सोचना है, और उसको इकोनॉमिक्स भी सोचनी है, और उसको मार्केट भी सोचना है ना, ये प्रोजेक्ट है। तो ये चारों चीजें आपकी लाइफ में पहले से बहुत स्ट्रांग थी या डायरेक्शन में आने के बाद स्ट्रांग? मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूं, तो फिर थिएटर में हमें एक्चुअली सारे एस्पेक्ट ये सोचने पड़ते हैं कि क्रिएटिव क्या है और इकोनॉमिक क्या है, कि कैसे सेट बनाना है कम पैसों में जुगाड़ करके, और कैसे मार्केट करना है अपने, क्योंकि थिएटर प्लेस बहुत लोग देखते नहीं है, तो किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं प्लेस को। तो इसलिए वहाँ जब मैंने थिएटर शुरू किया था दिल्ली में, तो फिर मेरे को वहाँ मेरा काफ़ी स्ट्रांग हुआ वो पार्ट, और फिर फिल्म मेकिंग करते 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 वो इन्हांस होता गया, इन्हांस होता गया, और लोग के साथ काम किया, उनके साथ सीखा देखा, तो वो और बेटर होता गया, और फिर अब ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा है उस। इसका मतलब आप ये मानते हैं अमिश की, क्योंकि आपके पास तो थिएटर की फैसिलिटी थी, तो मतलब सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो प्रैक्टिकली लर्निंग बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, थिएटर से एक ट्रांजिशन लेके आप सिनेमा की तरफ मूव कर रहे थे, तो वो प्लान आपने क्या बनाया था और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया? मैं एक बहुत एक छोटा शहर है उत्तर प्रदेश में बरेली, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मैं कॉलेज के लिए दिल्ली आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है, तो मैंने उससे पहले मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि थिएटर में जाना है या फिल्म्स करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ पे देखा, थिएटर ज्वाइन किया, एक साल ही हुआ था थिएटर ज्वाइन करे हुए, और फिर एक कोई मेरे सीनियर थे, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, तो उन्होंने कहा असिस्ट करने को, तो मेरे को एक हमेशा था कि मुझे सीखना है सीखना है, और मतलब बस डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, पता नहीं क्या होगा, कोई ऐसा मन नहीं था कि फिल्म में जाना है या कुछ ऐसा करना है। फिर मैंने वहाँ असिस्ट किया, मेरे को अच्छा लगा, मुझे काम बहुत पसंद आया, फिर मैंने देखा कि यार ये तो अच्छा है, फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे एक साल ही हुआ था थिएटर करते हुए, तो उसके बाद ही मेरा फिल्म की तरफ अप्रोच आने लगा था कि हाँ नहीं फिल्म अच्छी चीज़ है, फिल्म में ऐसा है वैसा है, तो फिर मैं थिएटर के साथ फिल्म मेकिंग पढ़ने लगा, तो मेरा थिएटर और फिल्म मेकिंग साथ के साथ चलने लगा। और लेकिन एक चीज बहुत, मतलब मैं ये हमेशा कहता हूँ हर, मैं क्योंकि ये हमेशा बताता हूँ लोगों को कि थिएटर आपको, मतलब थिएटर ऐसी चीज है जो आपको बांध के रखता है बहुत ज्यादा, थिएटर को छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो आपको आप अगर आपको थिएटर में करियर नहीं बनाना, आपको कहीं और जाना है, तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मन में बहुत बनाना पड़ेगा कि अब मैं थिएटर छोड़ रहा हूँ और अब मुझे इसकी तरफ ग्रो करना है, तो एक डिसीजन था जो मैंने ले लिया था 1.5 साल के थिएटर के बाद कि नहीं अब मैं थिएटर नहीं और फिल्म मेकिंग पे ज्यादा ध्यान दूंगा, तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट वो था, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा झुकाव फिल्म मेकिंग के बारे में इतना पढ़ पढ़ के मुझे हो गया था फिल्म मेकिंग की तरफ कि मैंने थिएटर को छोड़ दिया और मैं फिल्म मेकिंग की तरफ पूरी तरीके से धीरे 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 आ गया। तो बरेली से दिल्ली, दिल्ली में थोड़ा सा झुका हुआ क्रिएटिव फील्ड की तरफ, फिर आ गए सिनेमा की तरफ, लेकिन मुंबई की तरफ रुक करके वो शुरुआत कैसे रही? मुंबई की तरफ असल में बड़ा ही अलग उसका सफर था, मेरी सिस्टर बॉम्बे में थी, तो मैं रक्षाबंधन पे उनके यहाँ गया था, तो मैंने कहा कि एकदम से मेरे को मन था हमेशा से, पर पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट नहीं था, चीजें बहुत सॉर्टेड नहीं थी इस मामले में, तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने ऐसी बात की कि तू करना चाहता है ये सब, ऐसा ऐसा करियर का क्या वो है, तो मैंने कहा हाँ मुझे करना तो है, तो बोले तो उन्होंने कहा कि ट्राई कर एक बार प्रोडक्शन हाउसेस में अगर करना है तो मुझे पहली बार किसी से ग्रीन चिट या ग्रीन फ्लैग मिला कि अच्छा ठीक है मैं ट्राई कर सकता हूँ। बस फिर प्रोडक्शन हाउसेस के मैंने गया इधर उधर, जैसे आराम नगर में, अंधेरी में, अपना बहुत भागा,
फिर उसके बाद चलो कहीं मेरा एक जगह हो गया और क्रिएटिव में और राइटिंग में, तो मैंने वहां ज्वाइन किया और मैं सामान भी नहीं लाया था, मैं एक हफ्ते के लिए बॉम्बे गया था और मैं उसी सामान के साथ मैंने 2 महीने गुजारे। फिर मैंने आके मैंने घर आके थोड़ा एक 4-5 दिन के लिए सामान लिया और फिर मैं वापस आ वहां चला गया। तो ऑफकोर्स एक सपोर्ट था मेरी सिस्टर का, जिनके यहाँ मैं शुरू इनिशियल डेज में रुका और फिर मैंने अंधेरी में अलग रेंट आउट किया एक फ्लैट। तो जब आपको एक हफ्ते के लिए आए थे और आपने ट्राई किया और आपका सिलेक्शन हो गया टीम में, इसके पीछे वो जो दिल्ली की तैयारी थी उसका भी एक हाथ रहा? ऑफ कोर्स मतलब जब आप एक इंटरव्यू देते हो एक प्रोडक्शन हाउस में या कोई आपका इंटरव्यू लेता है, तो आपको एक नॉलेज, वो ये नहीं देखते कि आपको सब कुछ आना चाहिए, पर वो ये जरूर देखते हैं कि कुछ तो आना चाहिए, आप कितना पढ़े लिखे हो। जैसे मैं कहता हूँ हमारे हाथ में एक ताकत है फोन की, जो फोन पे आपको, फोन आपका गूगल हो गया या आपका यूट्यूब चैनल हो गया या मतलब ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हैं जो आपको नॉलेज देती हैं, तो वो लोग ये चीज चेक करते हैं कि आपने होमवर्क कितना किया है। तो फिर ऑफ कोर्स मेरा होमवर्क अच्छा था इसलिए मुझे शायद अपॉर्चुनिटी मिली या मेरा सिलेक्शन हुआ, तो ऑफ कोर्स दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। अमीश, आपका जो करियर ग्राफ है उसको इन शॉर्ट में बताएंगे ताकि व्यूअर्स जान पाए कि आपने क्या क्या किया अभी तक। करियर ग्राफ मेरा ऐसा है कि मैंने शुरू किया था थिएटर से, थिएटर के बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म में असिस्ट किया किसी सीनियर को, मैं मुंबई आया, फिर मैंने दिल्ली में थोड़ा सा काम किया राइटिंग में, फिर मैं मुंबई आया, मुंबई में मैंने काम किया एक प्रोडक्शन हाउस में, फिर धीरे 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 करके मेरे को वहां काम करके थोड़ा सीखा कि शॉर्ट फिल्म कैसे बनाना है, मैंने अपनी कुछ आइडियाज पिच किए तो उन्होंने इतना बहुत उन्हें अच्छा लगा पर वो नहीं उस टाइम बनाना चाहते थे, फिर मैंने कहीं ना कहीं रिसोर्सेज इकट्ठा करके 2 शॉर्ट फिल्म बनाई, उन शॉर्ट फिल्म से मेरे को और लोग मिले, उन्होंने देखा, उन्हें काम अच्छा लगा, धीरे 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 मैंने और प्रोडक्शन हाउसेज में काम किया, एक एक डायरेक्टर है उनके साथ काम किया, फिर मैंने बीच में भी मैं काम करता गया, फिर जाके मैंने मलंग में असिस्टेंट किया था मोहित सर का, वो मुझे मिला और फिर मैंने वो वहां से जब वो सब कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने बी ये अपना बिग सिनर्जी करके ऑफिस है रिलायंस का, मैंने वहां काम किया एज अ क्रिएटिव राइटर, और वो सब होने के बाद फिर मेरे को ये वेब शो एक था, एक आइडिया था एक मेरे राइटर फ्रेंड ने उनका, तो उन्होंने कहा ये मैं बना रहा हूँ एमएक्स के लिए पिच कर रहा हूँ, तो वुड यू लाइक टू डायरेक्ट इट, तो मैंने मैंने कहा आप एक बार मेरे को कंसेप्ट सुना दो एंड आई वुड लव टू, तो फिर जब उन्होंने कंसेप्ट सुनाया मुझे बहुत अलग टेक लगा, तो मैंने कहा ठीक है, तो वी प्लान इट आउट इन दिल्ली एंड देन मेरा दिल्ली में मैंने वो वेब शो बनाया, वो वेब शो जब रिलीज हुआ फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में हमने कैसे भी करके उसको एडिट करा और जूम कॉल्स और ये और वो करने के बाद जैसे ही वो रिलीज हुआ उसके बाद उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, एमएक्स की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो उसके बाद बस सीधे सीधे सीढ़ी चढ़ती गई सीढ़ी चढ़ती गई, फिर मैंने अपना डायरेक्टर ऑफिस खोला यहाँ दिल्ली में, और फिर बस फिर मतलब फिर अब मेरे पास ऑफ कोर्स इन लाइन 3 से 4 शोज हैं जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मार्च तक, मार्च अप्रैल तक। पहला शो आया था उसका नाम क्या था आपका? हाई वाइब और अब आपने कहा जैसा कि आप दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो मैं व्यूअर्स आपको या बता रहा हूँ कि अब अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो जरूरी नहीं कि आप अब मुंबई से ही काम करें, अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। जैसे अब अमीश बता रहे हैं आप दिल्ली से ऑपरेट करें, जो कि आज से शायद 2-3 साल पहले बिल्कुल असंभव था कि आप दिल्ली से ऑपरेट कर सकें, चेंज आया, इसको कैसे देखते हैं आप? 2-3 साल पहले मैं खुद बॉम्बे गया था कि दिल्ली में मुझे लगता था कि दिल्ली में सिर्फ एड्स बनते हैं, एड्स में एड की फील्ड में लोग ज्यादा काम करते हैं, वेब सीरीज या फिल्म्स की तरफ ज्यादा काम नहीं करते हैं, कर रहे हैं पर थोड़ा बहुत ही कर पा रहे हैं, तो मेरा हमेशा से था कि कभी ट्राई करेंगे कि दिल्ली में ये चीज ला पाए कि दिल्ली में ऐसा काम हो पाए, फिर उसके बाद अब जब मैंने अपनी एक टीम सेटअप की और एक्चुअली और लोग भी देखे कि काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि चलो दिल्ली को भी एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे के लोग आ रहे हैं और फिर दिल्ली में काम करें दिल्ली को दिखा रहे हैं, हम दिल्ली के लोग ही दिल्ली को दिखा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग तो है, ऑफ कोर्स मेरे मन में भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि यार मैं दिखा पा रहा हूँ उस तरीके से दिल्ली को, जिस तरीके से मेरा जो नजरिया है उस तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ के लोग भी बहुत परेशान रहते हैं मेरे को, बहुत लोग एक्टर्स हैं क्रू है जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मुंबई जा पाए शिफ्ट हो पाए, मुंबई आपको पता है बहुत महंगा शहर है, तो आप उनको एक जरिया मिल गया है, अब जो मेरे असिस्टेंट्स हैं या जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनका भी यही था कि हमने तो सोचा था अभी लॉकडाउन हो गया कोरोना हो गया तो मुंबई जाएंगे तो हम जा नहीं पाए, तो हमने इसलिए यहाँ पे ट्राई किया, फिर आपका रिक्वायरमेंट देखा तो हम आए आपके पास, तो उन्होंने भी मतलब उनको ही बॉम्बे ही जाना था पर जब उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने ग्रैब कर ली,
और तो ऑफ कोर्स ये चेंज बहुत अच्छा है सबके लिए, मेरे लिए नहीं सिर्फ, मतलब सबके लिए बहुत अच्छा है, फिल्म के लिए पूरे। और एक चीज और, जो एक्टर्स को लेके कास्टिंग को लेकर आज एक अलग तरह की सीरियसनेस आई है। अब वो चॉकलेटी फेस, वो ट्रेडिशनल फेसेस को नहीं देखा जाता, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच आ गई है कास्टिंग को। तो एज ए डायरेक्टर आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये बहुत, मतलब मेरे लिए तो, क्योंकि मैं बहुत रियलिज्म सिनेमा, बस बल्कि आजकल मैं बना नहीं रहा हूँ, पर मैं रियलिस्टिक सिनेमा का बिलीवर बहुत ज्यादा हूँ। और ऑफकोर्स जहाँ पे चॉकलेटी फेस की रिक्वायरमेंट है वहां चॉकलेटी फेस है तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे अगर आपको एक गाँव का बंदा दिखाना है तो अगर आप वहां पे चॉकलेटी फेस यूज करोगे तो मेरी फिल्म तो खराब हो गई, क्योंकि ऑडियंस का सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उस चीज से कनेक्ट करता है। अगर मेरा फेस एक टाइप का है तो वो मुझसे मेरे फेस की वजह से कनेक्ट करेगा। एक्टिंग तो सेकेंड पार्ट में आएगी, फर्स्ट पार्ट मेरा लुक है। तो फिर ऑफ कोर्स एज अ डायरेक्टर एक बहुत, मतलब कास्टिंग टीम्स भी और कास्टिंग डायरेक्टर्स भी एक इतने अच्छे आजकल ऑप्शंस आने लगे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि चूज किसे करें। चूज करना बहुत टफ है क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन है, इतने अच्छे एक्टर्स हैं आज की डेट में। फेमस वाले तो आप फिर भी अलग हटा दो कि चलो वो तो फेमस है, उनको जानते हैं लोग, जो एक्चुअली बहुत ग्राउंड से आए हैं जिनको शायद कभी देखा नहीं, वो भी इतने मजे हुए कलाकार हैं। और अब हर टाइप का चेहरा है, मुझे ऐसा लगता है आजकल कास्टिंग में, हर रोल को फिट करने के लिए। उसी वजह से वो जो स्क्रीन है वो नया लग रहा है कुछ, उसमें एक एक्सपेक्टेशन नहीं है ना कि ये ऐसे ही एक्टिंग करेगा, तो कुछ नया एक्टर्स के लिए हाँ, मजा आ मतलब रहा एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है। है। राइट 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 और ओके। ओटीटी ओटीटी क्योंकि ओटीटी आ गया है अब, ओटीटी के टाइम में नए एक्टर्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिल्मों में हमें इतने नहीं दिखते थे, दिखते थे छोटे मोटे रोल में दिखते थे, पर ओटीटी में मेन रोल में दिख रहे हैं और वो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है देख के। मतलब मैं भी सोचता हूँ कि इनको कांटेक्ट करूँ, कहीं से कांटेक्ट निकालूँ कास्टिंग कंपनी से, तो बहुत अच्छा ये तो वो है। ठीक है, आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके अमीश? मैं अभी एक एमएक्स ओरिजिनल की सीरीज डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा एक और शो है जो एक थोड़ा रूरल बेस्ड है। ये जो अभी मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा हॉरर है, उसके बाद एक रूरल बेस्ड है, और फिर दो प्रोजेक्ट्स और हैं जिनकी अभी बात बात चल रही है, लेकिन हाँ वो फाइनल ही है। तो मैं अभी 25th को आई एम गोइंग ऑन शूट, और उसके बाद इन जनवरी अगेन आई एम गोइंग ऑन फ्लोर विद अनदर प्रोजेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट अमीश, बहुत अच्छा लगा, बहुत सफाई से और बहुत अच्छे से चीजों को सो आपने मच, बताया, और आपकी इन बातों से वाकई जो थैंक लोग यू। आने वाले हैं उनकी जिंदगी बदलाव आएगा, वो समझ पाएंगे कि प्लानिंग और ट्रेनिंग और लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरा मिशन ज्वाइंट फिल्म्स को लेकर यही है अमीश, कि लोग अवेयरनेस के जी साथ मुंबई आए, बगैर सोचे समझे आते हैं तो उनका करियर, उनकी जिंदगी, उनका परिवार सब खराब हो जाता है। और यही इस चैनल का एक मिशन है, उसमें आज आपने भी आहुति दे दी है, बहुत अच्छे से समझाया। बहुत अच्छा मिशन है, थैंक थैंक यू वेरी मच। तो यू। ये थे अमीश, एक डायरेक्टर, और सबसे अच्छी बात कि उनकी सोच बहुत अच्छी है। ये जो उन्होंने फैसला लिया कि दिल्ली से नहीं ऑपरेट करूंगा, इससे बहुत फायदा होने वाला है। जिस तरह से मैंने लॉकडाउन में भी कहा था कि अब इंडस्ट्री में काम करने के तौर तरीके बन जाएंगे, हर शहर में काम शुरू हो जाएगा, आप देखिए धीरे धीरे वो हो रहा है। अब बस आपको तैयार रहना है, आप चाहे सिंगर बनना चाहते हो तो आपको तैयार रहना है, एक्टर बनना चाहते हैं तो तैयार रहिए, फिल्ममेकर बनना चाहते हैं तैयार रहिए। आप सीख के अपने शहर में भी काम करेंगे तो भी आपके पास काम चल के आएगा। सिर्फ मीटिंग करने के लिए मुंबई आ सकते हैं, बाकी काम आप अपने शहर से कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन मिलेंगी उसी को जो टैलेंटेड होगा। तो बस अपने टैलेंट को संवारते रहिए। अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि बॉलीवुड में एंट्री का जो आपका सपना है उससे रिलेटेड वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अमीश की, डायरेक्टर साहब की, आप कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join film.